ओके, तो हेडर फाइल जैसा कि सिंटे जो स्ट्रक्चर बताए थे सी प्रोग्राम का, जो स्ट्रक्चर था प्रोग्राम सिंटेक्स जो आपको लिखाया गया था, उसमें पहला जो पोजीशन था वो पोजीशन मैंने आपको हेडर फाइल के बारे में बताया था, ठीक है। हेडर फाइल जिसे हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज है, ठीक, वो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। और एवरी सी प्रोग्राम इज अ फंक्शन, जैसा कि रूल्स में मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर हमको सी में कोई भी काम करना है, ठीक है, तो सी हमको कुछ रेडीमेड चीज प्रोवाइड करेगा, थिंग्स प्रोवाइड करेगा। वो थिंग्स भी किस किस फॉर्म में होगा? फंक्शन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? फंक्शन के फॉर्म में होगा। क्यों फंक्शन के फॉर्म में होगा? क्योंकि सी एक फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्यों फंक्शन के फॉर्म में होगा? क्योंकि सी एक फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर, आवाज आ रही है? क्लियर? यस सर, यस ओके, यस। ठीक। तो चूंकि सी फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हर प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो फंक्शन है, और जो कुछ हमको रेडीमेड तौर पे मिलेगा, जो हमें प्रोग्राम डेवलप करने में मदद करेगा, या जिसको यूज से हम प्रोग्राम इन्वेंट कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, ओके, वो भी क्या होगा? फंक्शंस होगा। वो भी क्या होगा? फंक्शन फंक्शन, होगा। ठीक। जैसे आप लोग क्यू बेसिक पढ़े थे, तो क्यू बेसिक में आपको पढ़ाया गया था कि जो प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज है वो पांच चीजों पे बेसिकली आधारित होता है। इनपुट, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ठीक है, कंट्रोलिंग, एंड एक और था क्या, स्टोरेज। पांच चीज बताया गया था, याद आ रहा है? यस सर, ठीक। तो यस सर। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो या तो हमें इनपुट की जरूरत है, आउटपुट की जरूरत है, या तो इस पांचों टर्मिनोलॉजीज में से कुछ एक की जरूरत है, दो की जरूरत है, या सबकी जरूरत है। क्लियर? यस सर, यस सर। ओके। वहां पे इस टर्मिनोलॉजीज को फुलफिल करने के लिए प्रोग्राम में क्यू बेसिक ने बहुत सारे कमांड्स दिया था, जिसे हम इनपुट कमांड, प्रिंट कमांड करके पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। बिकॉज क्यू बेसिक में कोई भी प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो ना ही फंक्शन होता है, ना ही प्रोसीजर होता है, बल्कि वो खुद में एक मेन मेन मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल होता है। क्लियर? यस सर, यस ओके। लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी में हर एक प्रोग्राम फंक्शंस है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हर एक प्रोग्राम फंक्शन है जिसे हम मेन कहते हैं, और उसके अंदर भी जो कुछ भी हम यूज करेंगे अपने किसी खास कामों के लिए, ठीक है, चाहे वो इनपुट से रिलेटेड हो या आउटपुट से रिलेटेड हो, वो भी क्या होगा? फंक्शन ही होगा। वो भी क्या होगा। होगा? फंक्शन ही होगा। क्लियर? अब सी कहता है कि जितने भी रेडीमेड फंक्शन जिनसे आपका इनपुट हो जाए, आउटपुट हो जाए, ठीक है, और भी डिफरेंट वर्क हो जाए, उनको हम एक फाइल में, ठीक है, कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसमें कलेक्ट करके प्रोवाइड कर रहे हैं? फाइल फाइल में में, ठीक है। और जिस फाइल में हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसे आप फंक्शंस लाइब्रेरीज कह सकते हैं, या लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं। क्लियर? यस सर, ठीक यस है। सर। लाइब्रेरी ऑफ किसका बन जाएगा? फंक्शंस। और उसी को कहता है कि इसी फाइल को हम लोग हेडर फाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच। एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच ठीक है। हेडर यस फाइल सर, का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच। डॉट एच। क्लियर? तो इसका मतलब कि अगर सी में हम कोई भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस अगर हम सीखेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, तो हमें उससे रिलेटेड हेडर फाइल का भी इस्तेमाल करना। करना होगा। ठीक, ओके। अब है कि क्या एक ही हेडर फाइल होगा जिसमें सब कुछ होगा?
कैसे हो सकता है सर? डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे, सी हमको डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, वो फंक्शंस अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं, कुछ इनपुट आउटपुट के कैटेगरीज में बटा हुआ है, कुछ मैथमेटिकल कैटेगरीज में बटा हुआ है, कुछ मेमोरी से रिलेटेड कैटेगरीज में बटा हुआ है, यानी सबके ऑपरेशन अलग अलग तरह के हैं, तो उनको अगर एक हेडर फाइल में हम दे देंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, साइज फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा, हर प्रोग्राम में अननेसेसरी एक ही हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, उसी में सब है, झूठ मूठ के हम कुछ का ही इस्तेमाल करेंगे, सबका लोड लेके प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो इसके लिए सी ने क्या किया कि जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के जितने भी कैटेगरीज हैं, यानी ऑपरेशनल कैटेगरीज हैं, उनके आधार पे हेडर फाइल को भी अलग अलग कर दिया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? जितने भी फंक्शंस सी दे रहा है हमें यूज करने के लिए, जिसको यूज करके हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, उन फंक्शंस के जो भी ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस, चूंकि सबके ऑपरेशंस एक जैसे थोड़े होंगे, कुछ इनपुट का होगा, कुछ आउटपुट का होगा, कुछ मैथ से रिलेटेड साइन निकालने का होगा, कॉस निकालने का होगा, स्क्वायर रूट निकालने का होगा, लॉग निकालने का होगा, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इन सब के रोल अलग अलग है, इन सब के ऑपरेशंस अलग अलग है, इन्हीं अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार सी ने इनको अलग अलग हेडर फाइल में क्या कर दिया है? डाल दिया, ठीक है। अब अगर हमको प्रोग्राम में सिर्फ इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो इनपुट आउटपुट वाला कैटेगरी से रिलेटेड हेडर फाइल हम यूज करेंगे, बाकी को यूज करने की जरूरत नहीं है। इससे प्रोग्राम क्या रहेगा? प्रोग्राम का लोड हल्का रहेगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। एवरीबॉडी? यस सर। ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सी लैंग्वेज कहता है कि हम आपको बहुत सारे उन अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार मैं आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स इट्स रेडीमेड और प्रीडिफाइंड फंक्शंस थ्रू हेडर फाइल, लिखा हुआ है, और वो कई तरह के हेडर फाइल होंगे आपके। जो भी हेडर फाइल हम यूज करते हैं उसे हम किस ब्रैकेट में रखते हैं? एंगुलर ब्रैकेट, यानी लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल जो यूज करते हैं उसको हम कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट। ओके, तो पहला हेडर फाइल कहता है stdio। इस हेडर फाइल में उन सारे फंक्शंस को रखा जाता है या रखा गया है जो किससे रिलेटेड हैं? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन से, ठीक है, जिसमें से कुछ एक दो फंक्शन का नाम मैंने यहां पर लिख दिया है जिनको आगे पढ़ना भी है हम लोग, प्रिंटफ और स्कैनर, और भी बहुत सारे होंगे इसमें, ठीक है। ओके, stdio में stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड। और आयो मतलब इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट का क्या मतलब हो गया? स्टैंडर्ड इनपुट टेंस टू कीबोर्ड, वेयर एज स्टैंडर्ड आउटपुट टेंस टू मॉनिटर। एवरीबॉडी? अब अगर हम स्कैनर से इनपुट कराएंगे तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इनपुट के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? अगर हम कीबोर्ड से कराएंगे तो वो स्टैंडर्ड इनपुट के अंतर्गत है, अगर हम स्कैनर के थ्रू करा देंगे तो वो स्टैंडर्ड इनपुट के अंतर्गत नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अब है कि सर कंसोल से भी तो इनपुट आउटपुट हो जाता है, हम मोबाइल यूज करते हैं तो कहां कीबोर्ड लगाते हैं, उसमें कहां रहता है कीबोर्ड? ठीक है, पहले वाला में तो रहता था, अब वाला में कहां है कीबोर्ड? ये है। अच्छा सर। नो सर।
नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप कंसोल से इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ फंक्शंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पुट सी एच, गेट सी एच, और भी बहुत सारे। क्लियर? यस सर। ठीक, इसके बाद है मैथ डॉट एच। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस है, ठीक है, लाइक पाव, एसक्यूआरटी, साइन, कॉस, सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस है लाइक पाव, एसक्यूआरटी, साइन, कॉस, ठीक है, सो मेनी थिंग्स, उन सबको किस में डिफाइन किया गया है? मैथ डॉट एच में। ओके, कुछ फंक्शंस स्ट्रिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नेविगेशन कह सकते हैं, स्ट्रिंग मैनुपुलेशन कह सकते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन कह सकते हैं, जो भी आप समझ लें उसको। नेविगेशन का मतलब होता है, ठीक है, मैनुपुलेशन का मतलब हो गया कि जैसे आप लोअर केस है तो क्या करना, अपर केस, अपर केस है तो क्या करना, लोअर केस, ठीक है, स्ट्रिंग है तो उसको रिवर्स करना है हमको, ठीक है, स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करना है हमको। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जो हमें किस हेडर फाइल के अंतर्गत मिल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच। तो जैसे str len, str cpy, str cat, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सब फंक्शन किस में मिलेंगे हम लोग को, स्ट्रिंग डॉट एच, एच में, ठीक है। उसके बाद एक आपको बताया इसमें malloc dot h, ठीक है, malloc का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। क्या होता है मेमोरी एलोकेशन सर? मेमोरी प्रोग्रामिंग में दो तरह से मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है, एक होता है स्टैटिक यूटिलाइजेशन, दूसरा होता है डायनेमिक यूटिलाइजेशन। आप सब जानते होंगे, ठीक है, एक होता है स्टैटिक यूटिलाइजेशन, दूसरा क्या होता है, डायनेमिक यूटिलाइजेशन। जो वेरिएबल का कंसेप्ट हम लोग यूज करते आए हैं, जो एरे का कंसेप्ट हम लोग यूज करते आए हैं, वो सब क्या है, स्टैटिक एलोकेशन है। ओके, नॉर्मली क्यू बेसिक जो हम लोग सीखे हैं उसमें सारा काम हम लोग को क्या मिला था, स्टैटिक मिला था। क्या मिला था? स्टैटिक मिला था, वहां पर डायनेमिक का कंसेप्ट नहीं था। पॉइंट क्लियर? यस सर। क्या क्यू बेसिक्स जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो भी हम लोग कंसेप्ट सीखे थे वो क्या था? स्टैटिक। स्टैटिक था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, वैल्यू को कैसे हम लोग हैंडल करते थे, तो वेरिएबल के थ्रू या फिर एरे के थ्रू, यही ना दो विकल्प था हमारे पास, क्या और तीसरा भी विकल्प था उसमें? नो सर। ठीक, और वेरिएबल में कहता है कि अगर आप मान लीजिए पांच वेरिएबल ले लिए और तीन ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो का मेमोरी क्या होगा, वेस्ट होगा। वेस्ट होगा, ठीक है, दस का एरे ले लिए, पांच ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो पांच का क्या होगा, वेस्ट होगा सर। वेस्ट होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए दस का एरे ले लिए, ग्यारह आ गया तो क्या होगा, शॉर्टेज हो गया सर। शॉर्टेज, इसको कहा जाता है मेमोरी के अकॉर्डिंग, इसको नाम दिया गया है अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। क्या नाम दिया गया है? अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। मान लीजिए क्लासरूम में 60 चेयर लगी हुई है और एक भी बच्चे आके नहीं पढ़ रहे हैं या 10 ही बच्चे आके बैठ के पढ़ रहे हैं तो 50 सीट तो ऐसे ही बेकार जा रही है। अंडरफ्लो, दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो। और मान लीजिए कि क्लास में 50 सीट लगी हुई है और बच्चे 55 आ गए, 50 तो बैठ गए, 5 खड़े रहेंगे या बाहर रहेंगे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्यू बेसिक में जो पढ़े थे उसमें स्टैटिक था और स्टैटिक के केस में हमेशा अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का सिचुएशन रहेगा, ठीक है। ओके, बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच टू यूज द मेमोरी। ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं हुआ सर
कि हमेशा अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का सिचुएशन बना रहे, कोई हमें ऐसा भी चीज मिलना चाहिए जिसमें हम मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर क्लास चल रही है और बच्चे क्लास कर रहे 10 आते हैं तो सीट भी कितनी लगनी चाहिए? 10। ठीक है, क्लास चल रही है बच्चे नहीं आ रहे हैं तो सीट कितनी लगनी चाहिए? 0। और क्लास चल रही है ठीक है और बच्चे 50 आ गए तो सीट कितनी लगनी चाहिए? 50। ठीक है, क्लियर। तो ये कब निर्णय हम लेंगे? जब क्लास स्टार्ट होगी उसी समय। यस ठीक है, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, यानी जब प्रोग्राम रन कर रहा है उस समय, रनिंग टाइम में। ठीक है, तो कहता है कि जब प्रोग्राम रन करता है और उस समय जब हम मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं तो वो मेमोरी का यूटिलाइजेशन स्टैटिक नहीं माना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डायनेमिक। डायनेमिक, ठीक है, क्लियर। उसको क्या कहा जाता है? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब रन कर रहा है, पहला वैल्यू आया तो पहला मेमोरी ले लिए, दूसरा वैल्यू आया तो दूसरा मेमोरी ले लिए, तीसरा वैल्यू आया तो तीसरा मेमोरी ले लिए। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आया तो कोई मेमोरी नहीं लिए। ठीक है, 50 वैल्यू आया तो 50 मेमोरी रिजर्व किए। ठीक है, तो इस रन टाइम डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए ये फैसिलिटी आपके सी में है, क्यू बेसिक में नहीं था। ठीक है, सी में है और सी कहता है कि इसके लिए इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनको हम किस हेडर फाइल के अंतर्गत दे रहे हैं? malloc.h। इसी में आपको malloc फंक्शन मिलेगा और एक फ्री फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एक और भी बात आपको इसी के साथ बताना चाहूंगा कि जो स्टैटिक मेमोरी होता है, ठीक है, ओएस वगैरह में भी आप लोग डील किए होंगे, हो सकता है वहां पे भी डिस्कस मिला हो आपको कि जो स्टैटिक मेमोरी होता है जिसे आप कंपाइल टाइम मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, ये मेमोरी जो होता है अलॉट तो हो जाता है, ठीक है, बाय द गिवन फीचर्स लाइक अ वेरिएबल और एरे। पर इस मेमोरी को अलॉट होने के बाद, ठीक है, हम मैनुअली इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर ना क्यू बेसिक के पास था ना सी के पास है, ना क्यू बेसिक के पास था ना सी के पास है। ठीक है, तो सर क्या वो हमेशा मेमोरी में पड़ा रहेगा? नहीं, हमेशा तो नहीं पड़ा रहेगा, पर आप उस मेमोरी को इमीडिएट हटा नहीं सकते हैं। उसको हटाने वाला जो होगा वो होगा गार्बेज कलेक्टर। क्या होगा? गार्बेज कलेक्टर। यू नो जैसे नगर पालिका का वो गाड़ी वाला जो आता है कचरा उठाने, तो वो एक शेड्यूल पे आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, दो बार आता है या तीन बार आता है, वट एवर। ठीक है, ओके, यस, वो तो अपने शेड्यूल पे आएगा, आपके द्वारा जो भी कचरा फैलाया गया है उसको उठा के लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बीच में भी अगर गंदगी हो रही है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वो गंदगी इमीडिएट साफ हो जाए, हमको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो दो घंटे के बाद आएगा, ठीक है, तो कोई उपाय नहीं है क्योंकि वो तो अपने शेड्यूल पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम बेस्ड हैं किस पे? नगर पालिका वाले पे। ठीक है, वो हो गया स्टैटिक एलोकेशन। क्या हो गया? स्टैटिक एलोकेशन। ठीक है, मतलब उसको नगर पालिका वाला आके उसको हटा रहा है, और यहाँ नगर पालिका वाला का मतलब हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्टर। और ये गार्बेज कलेक्टर भेजेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन भेजेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे? शेड्यूल पे। कैसे? शेड्यूल पे। ठीक है, यानी हम सी यूज कर रहे हैं, स्टैटिक एलोकेशन हो रहा है, ठीक है, हम प्रोग्राम से बाहर आ गए तो वो मेमोरी अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कब हटेगा? जब हम प्रोग्राम से बाहर आ गए तो वो मेमोरी तो एक तरह से कचरा, गार्बेज हो गया हमारे लिए, हो गया ना? यस सर। अरे जब हम प्रोग्राम ही से बाहर निकल गए तो उस प्रोग्राम के द्वारा यूज किया गया मेमोरी का क्या यूटिलाइजेशन है? कोई है? नहीं है, तो वो तो एक तरह से कचरा बन के मेमोरी में पड़ा हुआ है। अब वो हटेगा कैसे? जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने गार्बेज कलेक्टर को भेजेगा। कब भेजेगा? क्या हमेशा भेजते रहेगा? कहता है नहीं, एक शेड्यूल पे भेजेगा।
पॉइंट क्लियर? ओके यस सर। लेकिन रिपीट कर दे, रिपीट कर दीजिए सर फिर से, रिपीट कर दे। अच्छा ये कूड़ा करकट समझ रहे हो जो समझाया है, कूड़ा करकट वाला जो कचड़ा उचड़ा कैसे अरे बाबा नगर पालिका कचड़ा कैसे उठाता है तुम जानते हो? यस सर। अच्छा तुम्हारे घर के आसपास में एक कचड़ा पेटी रखा रहता है या समथिंग कोई जगह बनाया रहता है? रहता है यस सर, डस्टबिन। डस्टबिन ठीक है, और कहीं कहीं पे डस्टबिन नहीं रहता है तो एक प्लेस बना दिया जाता है। ठीक है ओके। अब तुम घर का कूड़ा करकट निकाले वहां पे फेंक दिए, अब जैसे फेंक के आए तुरंत आ जाता है नगर पालिका वाला? नो सर, नहीं। शेड्यूल के अनुसार आता है। किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करो। ठीक, तुम कचड़ा फेंक के आए, ठीक आ गया गाड़ी वाला आ गया? नो सर। कैसे कब आएगा वो? एक निश्चित शेड्यूल के अनुसार सर। एक निश्चित शेड्यूल के अनुसार, ठीक है। ये स्टैटिक वाला जो हम बता रहे हैं वो यही होता है, यानी स्टैटिक एलोकेशन में जो हम कचड़ा फैला रहे हैं इस कचड़े को हटाने वाला कौन होगा? ठीक है, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, म्युनिसिपल का गार्बेज कलेक्टर। ओके, और यहां म्युनिसिपल कौन बन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर, ऑपरेटिंग, वो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल पे भेजेगा। तब तक तुम्हारा कूड़ा कलकट तुम्हारे उस जगह वो उस कचड़ा पेटी उस डस्टबिन में वैसे ही पड़ा रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये होता है स्टैटिक एलोकेशन के साथ। किसके साथ होता है? स्टैटिक एलोकेशन सर। अब तुम दूसरी व्यवस्था चाहते हो क्या? ठीक है, कि कचड़ा हम ही फैलाएं और कचड़ा हो ही नहीं, कचड़ा हो ही नहीं। ठीक है, मतलब हम काम किए, जितने जगह का इस्तेमाल किए उतने जगह को हम फिर से अपने से ही क्या कर दें? फ्री कर दें। अपने से ही क्या कर दें? फ्री कर दें। मतलब कचड़ा भी हम ही बनाएं और उस उठा के जिस जगह पे ले जाके रखना है, जहां पे नगर पालिका ले जाके रखती है, वहां पे हम ही ले जाके रख दे। ठीक है, तो ये तो इमीडिएट सिचुएशन हुआ ना, नहीं हुआ? घर का कूड़ा करकट निकालें और बजाय वो सामने डस्टबिन में कचड़ा पेटी में भेजने के बजाय हम वहां ले जाके फेंके जहां पे डंप होता है। एवरीबॉडी? यस सर। ये तो दोनों काम एक साथ ना हो गया क्या? कि जिस समय कचड़ा बन रहा है, कब बन रहा है? जैसे हम प्रोग्राम यूज, प्रोग्राम में मेमोरी यूज किए और प्रोग्राम से हम बाहर निकले, तो जैसे बाहर निकले उतना तो जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ है वो सब मेरे लिए क्या हो गया? गार्बेज हो गया, हो गया ना? यस सर। ठीक, अब हम चाहते हैं जैसे हम प्रोग्राम से निकले वो गार्बेज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? डंप हो जाए। क्या हो जाए? डंप हो जाए। ठीक ओके। तो कहता है कि वैसे सिचुएशन को हम लोग रन टाइम सिचुएशन बोलते हैं या डायनेमिक सिचुएशन बोलते हैं, और उसको करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है मैलोक और एक है क्या? फ्री। ये आप पहले से नहीं जानते हैं, ये आप पहले से नहीं जानते हैं। क्यू बेसिक में इसकी चर्चा नहीं हुई है। साफ साफ बोलिए, आपको समझ में आ रहा है जितना पॉइंट्स बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये आपके लिए एक नई बातें हैं। ठीक है, ये जो भी सिखाई जा रही बताई जा रही है नई है। क्यू बेसिक में इसकी चर्चा हो सकता है हम किए हों, पर क्यू बेसिक में ये फीचर ठीक है नहीं मिला है, हम लोगों ने यूज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन सी में हम लोग करेंगे, लेकिन सी में हम लोग करेंगे। ठीक है, सी में दोनों व्यवस्थाएं हैं, स्टैटिक स्टैटिक मेमोरी को यूज करना और डायनेमिक मेमोरी को यूज करना, दोनों है। जबकि क्यू बेसिक में हम जो भी सीखे थे वो सब क्या था? स्टैटिक। स्टैटिक ठीक ओके। तो स्टैटिक से भी गार्बेज होगा और डायनेमिक से भी गार्बेज होगा। स्टैटिक से जो गार्बेज होगा
उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का गार्बेज कलेक्टर उठाएगा, ठीक है, और जो डंप करना है वो डंप करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रन टाइम पे डायनेमिक में जो हम गार्बेज बना रहे हैं या जो हम मेमोरी यूज कर रहे हैं, लेकिन अब यूज करने के बाद हम निकलने वाले हैं तो वो गार्बेज ही ना होगा, तो उसको हम मैनुअली, ठीक है, डंप कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री। यानी इससे मेमोरी बनेगा और इससे मेमोरी क्या होगा, डंप होगा, ठीक है, इससे मेमोरी डंप मतलब क्या होता है, जगह को खाली कर देना है ना, जगह को क्या कर देना, डंप यार्ड, डंप मतलब फ्री हो गया, खत्म। अब हम उस जगह को दूसरे जगह, दूसरा किसी भी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे गार्बेज इन द सेंस यही ना हुआ जी, गार्बेज का मतलब क्या हुआ कि हम जगह एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है, और जगह का इस्तेमाल किए और हम उस प्रोग्राम से बाहर निकल गए, लेकिन जगह अभी भी बता रहा है कि प्रोग्राम के इस्तेमाल में है जबकि प्रोग्राम रन मोड में नहीं है। तो मेमोरी कहता है कि ऐसे चीजों को हम गार्बेज मानते हैं, क्या मानते हैं, गार्बेज मानते हैं, क्यों, क्योंकि उसका इस्तेमाल अभी कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि वो मेमोरी रिलीज ना हो जाए, क्लियर। तो स्टैटिक को रिलीज करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम का गार्बेज कलेक्टर, जो कि एक प्रोग्राम होता है। गार्बेज कलेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, प्रोग्राम होता है, वो करेगा। और जो जो मेमोरी हम लोग डायनेमिकली यूज करेंगे यूजिंग मैलोक फंक्शन, उसको हम फ्री कर सकते हैं खुद से बाय यूजिंग किस फंक्शन से, फ्री से, ठीक। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस जो मेमोरी से रिलेटेड हो, डायनेमिक मेमोरी से रिलेटेड हो, रन टाइम मेमोरी से रिलेटेड हो, उसको किस में डिफाइन करके भेजा जाता है, मैलोक डॉट एच, ठीक है। इसके बाद है स्टडी लिब, ठीक है, लिब मतलब लाइब्रेरी, स्टडी मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे फंक्शन जब कैटेगराइज किया गया, ठीक है, उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अनुसार, तो बाद में ये भी रियलाइज किया गया कि कैटेगराइज तो हम कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं ना, अमूमन उनका इस्तेमाल, ठीक है, अक्सर हर प्रोग्राम में हो ही जाता है। पॉइंट क्लियर, मतलब मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात सब किसी को, यस सर। एक पॉइंट ये कि अगर लगता है कि अमूमन उनकी जरूरत हर जगह हो सकती है, हर प्रोग्राम में हो सकती है, या ज्यादातर प्रोग्रामों में उसकी आवश्यकताएं पड़ सकती है, एक ये फैक्टर। दूसरा कि जो फंक्शंस बने हैं वर्जन टू वर्जन कई नए फंक्शंस भी ऐड होते चले गए, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसे फंक्शंस जो बाद में आए और किसी नए फीचर के लिए से रिलेटेड होके आए, ठीक है, उन सारे फंक्शंस को किस में डाल दिया गया, एसटीडी लिब। अब एसटीडी लिब में फॉर एग्जांपल, एसटीडी में बहुत सारा फंक्शंस हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि मैलोक और फ्री जो मैंने आपको मैलोक डॉट एच में बताया था, वो मैलोक और फ्री एसटीडी लिब में भी अवेलेबल है ना, yes, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, yes, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि हम सी कर रहे हैं तो हम ज्यादातर जब काम करेंगे, सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस पे हम काम करेंगे, तो हमें डायनेमिक की जरूरत ज्यादातर पड़ सकती है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हेडर फाइल से, उससे रिलेटेड जो हेडर फाइल है और उसमें जो फंक्शंस हैं उसको हम लिब में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि यूजर एक ही लिब को इस्तेमाल करेगा और मैलोक का भी काम उसका हो जाएगा, तो उसको मैलोक डॉट एच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैलोक और फ्री के अलावा कुछ और भी फंक्शंस मिल जाएंगे उसको, ठीक है, जो उसको डायनेमिक अप्रोच को और इंप्रूव करेगा। क्लियर, यस सर, ठीक है। अभी बेसिक्स जानने हैं, बाकी यूटिलाइजेशन है, धीरे धीरे हम लोग इस पे प्रोग्रामिंग भी करेंगे और चीजों को और बेहतर ढंग से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी एक बेस दिमाग में बैठाना है कि कौन चीज किसके लिए है। मैं काफी चीजें बोल रहा हूं लेकिन मोटा मोटी आप एक दो लाइन का बात हर एक से आप बना के रखिएगा, ठीक है।
तो आपका लाइब्रेरी के बारे में कोई पूछेगा कि स्टडी लिब में किस तरह के फंक्शंस होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि वैसे फंक्शंस होते हैं जो और भी हेडर फाइल्स में हो सकते हैं लेकिन जिनका यूटिलाइजेशन हमें ज्यादा हो या जिनकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ सकती है, ठीक है, उसको भी स्टडी लिब में डाल दिया गया है। और साथ साथ नए फीचर जो भी एडॉप्ट किए गए वर्जन टू वर्जन, उनसे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनको भी स्टडी लिब में डाला गया, ठीक है, जिसे हम मिसलेनियस फंक्शंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिसलेनियस, ठीक है, यानी कोई ऐसा फंक्शन बना दिया गया, हो सकता है कोई ऐसे फंक्शन बना दिए गए होंगे जिनके कैटेगरीज में कंफ्यूजन हो कि इसको इनपुट में रखें, आउटपुट में रखें या किस में रखें, तो उनको मिसलेनियस मान के किस में डाल दिया गया, स्टडी लिब में डाल, ठीक है, ओके। ओके, यहां तक हो गया था। अब है कि हाउ टू राइट हेडर फाइल इन प्रोग्राम, कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो लिखने का तरीका होता है हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, उसमें हेडर फाइल का नाम डॉट एच के साथ। एवरीबॉडी यस या नो? यस सर। कैसे लिखेंगे? हैश इंक्लूड, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट, उसमें हेडर फाइल का नाम डॉट एच के साथ, ठीक है। कुछ एडिटर में, ठीक है, हो सकता है कि बिना डॉट एच दिए हुए भी एक्सेप्ट कर ले, कुछ एडिटर में हो सकता है कि बिना डॉट एच दिए हुए एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके सी के कई एडिटर्स मिलेंगे, टर्बो मिलेगा, डेव मिलेगा, कोई वीएस कोड का इस्तेमाल करता है ना, कोई कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। कोई स्पीकर पे जो ऑन करके रखा है वो स्पीकर बंद कर ले, बोल रहा है तो इको हो जा रहा है, ओके। तो अगर कुछ हेड, कुछ हम लोग एडिटर यूज करते हैं तो हो सकता है वहां डॉट एच ना भी दें, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, लेकिन डॉट एच दे के हम करेंगे तो सारे एडिटर एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। दिस इज द डिफॉल्ट अप्रोच कि हम लोग कोई भी हेडर फाइल लिखे तो उसमें क्या लगा दे, डॉट एच, ये डिफॉल्ट अप्रोच है। ये दुनिया का कोई भी एडिटर अगर सी का बनाया जाएगा तो उसमें ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ एडिटर ये भी सपोर्ट करते हैं कि डॉट एच ना भी देंगे तो हम समझ जाएंगे। क्लियर? ठीक सर। ओके, तो सर यहाँ हेडर फाइल जो लिखे हैं एंगुलर ब्रैकेट, तो इसमें तो आप एसटीडी आयो मैलॉक बहुत सारा बताए हैं, कोई एक को रख देंगे जिसकी जरूरत है हमको। मान लीजिए हमको प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना है तो हम यहाँ पे एसटीडी आयो डॉट एच लिख देंगे। ये पहले लगाए हैं हैश इंक्लूड, ये क्या है, क्यों लगाए हैं? सिर्फ इतना ही लिख देते हैं तब भी काम हो जाता, तो कहता है कि नहीं, इतना लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको हैश इंक्लूड के साथ ही इसको लिखना होगा। और हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर या प्री कंपाइलर डायरेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री प्रोसेसर या प्री कंपाइलर डायरेक्टिव सर। डायरेक्टिव कहा जाता है। हमारा सी क्या है, कंपाइलर है कि इंटरप्रेटर है? कंपाइलर। कंपाइलर है। तो हम जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो कंपाइल करने के लिए किसको आएगा रन कराने, मेन को? Yes. बिकॉज एवरी सी प्रोग्राम इज अंक्शन फंक्शन, ठीक है, तो हमारा कंपाइलर सिर्फ किसको जानता है? मेन को। अब मेन में हम क्या यूज करेंगे? हेडर फाइल से रिलेटेड फंक्शन, हेडर फाइल से रिलेटेड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड है। ठीक, तो हम तो सी को मिडिल लेवल एज ए मिडिल लेवल के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोड होंगे क्या ये भी मिडिल लेवल के अप्रोच में होंगे? नहीं, क्योंकि सी लिखा गया होगा तो जाहिर बात है असेंबली यूज किया गया होगा। यस सर। क्योंकि मैंने कहा था शुरू में ही कि सी को मिडिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों का कंसेप्ट है। हाई लेवल मेरे लिए है लेकिन लो लेवल इसका इंटरनल है, यानी इसको इजाद किया गया है किसको यूज करके?
मशीन लैंग्वेज नहीं, असेंबली, मशीन असेंबली 01 हो गया, ठीक है, ओके असेंबली, ओके। तो इंटरनली जो भी कोड है वो असेंबली का है, हमें फैसिलिटी क्या मिल रहा है कि हम हाई लेवल में यूज करें, ठीक है, लेकिन चूंकि हम लो लेवल के कुछ सिंबल्स भी हाई लेवल में यूज करते हैं इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, मिडिल लेवल, एवरीबॉडी, ठीक। तो हम जो प्रिंटएफ स्कैनएफ जो कि हेडर फाइल में डिफाइन है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंटएफ जो फंक्शन है उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कहां मिलेगा, कंटेंट्स फाइल में। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि पार हो रहा है, ये बताओ पहले, पार हो रहा है, ठीक 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 ठीक, ओके, यानी बाउंसर जा रहा है, ओके। तुम सी प्रोग्राम बनाओगे तो कहां लिखोगे, मेन में? यस सर, यस सर। मेन में क्या करोगे, इनपुट करोगे आउटपुट करोगे? सर इनपुट करेंगे। अरे भाई इनपुट करो या आउटपुट करो, करोगे यही सब काम ना करोगे? यस सर। सी इसको, इस काम को करने के लिए तुमको क्या दे रहा है, फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन, उसको क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस कहेंगे, ठीक। वो लाइब्रेरी फंक्शन कहां मिलेगा हमको, हेडर फाइल में, कहां मिलेगा, हेडर फाइल में, मतलब जिस फंक्शन को यूज करेंगे उसका हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक। जो फंक्शन मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा हमको, हाई लेवल में कि लो लेवल में, हाई लेवल सर, हाई लेवल में, ठीक है, हाई लेवल में। जैसे हमको मिला प्रिंट एप, हमको मिला स्कैन एप, किस हेडर फाइल में है सर, स्टूडियो डॉट एच में, स्टूडियो डॉट एच में, ठीक। हम प्रोग्राम के अंदर लिखे, मेन के अंदर प्रिंट एप यूज किए, तो प्रिंट एप भी तो फंक्शन है, और फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब कि प्रिंटएफ एक हाई लेवल वर्ड हो गया, लेकिन इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम थोड़ी लिखे हैं, वो तो सी लिख के ना भेजा है, वो कौन लिख के भेजा है, सी। सी तो सी उसको किसमें लिखा होगा, हाई लेवल में लिखा होगा, असेंबली, असेंबली में सर। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, असेंबली, ठीक है, ओके 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 ओके। अब कहता है कि हमारा कंपाइलर भी सारे को पढ़ के असेंबली में बदलेगा, नियम तो ये ना हुआ, अरे हम यूज कर रहे हैं हाई लेवल, और सी लिखा गया है किसमें, असेंबली में, तो हम जो कुछ भी लिखेंगे उसका कन्वर्जन किसमें होगा, असेंबली में। हमारा कंपाइलर सी क्या करेगा, उसको असेंबली में कन्वर्ट, असेंबली में करेगा, ठीक है, उसको किसमें करेगा, असेंबली में। लेकिन सिर्फ कंपाइलर का काम असेंबली में करना नहीं ना है, एग्जीक्यूट भी तो कराना है, क्या कराना है, एग्जीक्यूट। तो कंपाइलर कहता है ना कि जितने फंक्शन आप यूज किए हैं उसका तो सेट ऑफ कोड ऑलरेडी असेंबली में लिखा गया है, हमको वहां से उठा के यहां पे रख देना है, और उठाने और रखने का काम हम क्यों करें, हम तो एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। हम एग्जीक्यूट करने से पहले ये जिम्मेवारी दे देते हैं किसको, प्री प्रोसेसर या कंपाइलर, यानी हम जाएंगे कंपाइल करने, मतलब हम जाएंगे रन कराने, और हमारे कराने के पहले ये लोग अपना काम कर देगा, और क्या करेगा, सारा का लो लेवल का कोड उठा के मेरे प्रोग्राम फाइल में डाल देगा, क्लियर, क्या करेगा, प्रोग्राम फाइल में डाल देगा, क्या करेगा, प्रोग्राम फाइल में डाल देगा, क्लियर। और जब डाल देगा तो कंपाइलर जब रन करने जाएगा ओएस के साथ मिलके, तो उसको क्या मिलेगा, असेंबली कोड। कंपाइलर जब रन करने जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, असेंबली कोड। आर्किटेक्चर में आपको शुरू में ही बता दिया गया था, आप नहीं बात चीजों को ध्यान दे रहे हैं,
आर्किटेक्चर जो बताए थे उसमें शुरू में ही आपको ये लिखवा दिया गया था। कहा गया सेक्शन टू, ये देखिए कि जय हम लिखते हैं हाई लेवल में, प्रिंटेब स्कैनर हमारे लिए क्या है हाई लेवल। हम जैसे सी के कंपाइलर को अप्रोच करते हैं, सी प्रमोट कर देता है प्री कंपाइलर को, किसको, प्री कंपाइलर। अरे नाम इसीलिए ना पड़ा है उसका प्री कंपाइलर, प्री मतलब क्या होता है, पहले का। प्री मतलब होता है पहले, प्री कंपाइलर मतलब कहता है कि तुम्हारे पहले हम काम करेंगे। प्री कंपाइलर क्या कहता है सी कंपाइलर को, कि तुम्हारे पहले हम काम करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, तुम्हारे हाई लेवल वाला जो भी कोड है ना उसका लो लेवल कोड हम ले आके क्या करेंगे, एक नया फाइल बना देंगे जिसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें किस तरह का कोड होगा, हम लिखे थे हाई लेवल, अब हो गया क्या असेंबली कोड। आ रहा है समझ में? यस सर। कि अभी भी ना आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है। और तब जब हम रन कराएंगे तो हमारा कंपाइलर इस असेंबली कोड को लिंकर और लोडर के सहारे मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। आया कुछ बात समझ में? यस, ठीक है। yes, ये जो प्री कंपाइलर होता है, प्री प्रोसेसर होता है, वो हेडर फाइल में मौजूद जो भी फंक्शन जो हम प्रोग्राम में यूज किए हैं उनके सेट ऑफ कोड्स, ठीक है, को क्या करता है, कॉपी करता है किसमें, ऑब्जेक्ट फाइल में, किसमें, ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि इट कंपाइल्स द लाइंस ऑफ कोड रिलेटेड विद फंक्शन फ्रॉम हेडर फाइल टू प्रोग्राम फाइल बिफोर कंपाइलिंग आवर प्रोग्राम बाय सी कंपाइलर। क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट होना था तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना।